नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ, GDS का रिजल्ट दोबारा जारी होने जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कन्फर्म अपडेट है, GDS का रिजल्ट दोबारा आएगा। पहले जो रिजल्ट आ चुका था, 8 राज्यों का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो गया था, लेकिन उसको अभी यहाँ पे रोक दिया गया है कि उस रिजल्ट को दोबारा जारी किया जाएगा। क्या कारण रहे, दोबारा क्यों होगा और किस हिसाब से अगला रिजल्ट आएगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे और राजस्थान का रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं इस पूरी अपडेट के बारे में। जी हाँ, इंडिया पोस्ट GDS का, जैसे कि आपने फोरम लगाए थे, परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन है, आपको पता हो 10th के परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो जिन्होंने भी फोरम लगाया, फाइनली यहाँ पे रिजल्ट की ओर दौड़ रहा है GDS। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि रिजल्ट जो जारी हुआ था, पहले आसाम का आया, उत्तराखंड का आया, पंजाब का रिजल्ट आया, ऐसे जो रिजल्ट आए थे उनको यहाँ पे रोक दिया गया। उसके बाद में एक नोटिस यहाँ पे GDS की तरफ से आया है, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही आया उसके बाद में कंट्रोवर्सी में चला गया था रिजल्ट, कि उसमें नाम नाम आए हैं, कोई पोस्ट ऑफिस का नाम नहीं है, कोई वहाँ पे कट ऑफ का कोई जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज चल रहे थे कि किस हिसाब से उन्होंने रिजल्ट जारी किया और क्या कट ऑफ गई है। इसको लेकर यहाँ पे GDS ने अपडेट किया है अब कि जो रिजल्ट पहले जारी किया गया था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और रिजल्ट अब दोबारा जारी होगा। तो कुछ सवाल यहाँ पे उस रिजल्ट को लेकर बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो नया फॉर्मेट में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या होगा कि जो फॉर्मेट आने वाला है, इस बार जो रिजल्ट आएगा, पहले क्या था, कोई कट ऑफ नहीं थी, केवल नाम था, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें यहाँ पे 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो पोस्ट नेम, कि आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया था उस पोस्ट की कट ऑफ क्या गई है, उसका नाम आएगा वहाँ पे, जिस पोस्ट का नाम आपने आवेदन किया था उस पोस्ट का नाम आएगा। पिछले वाले में ऐसा कोई नाम नहीं आया था, 2 दिन पहले जो रिजल्ट आया था उसमें से कोई नाम नहीं आया था, केवल कैंडिडेट का नेम था। तो ये ध्यान रखें, जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें उस पोस्ट का नाम आएगा। पोस्ट ऑफिस का नेम, जिस ऐसे ऐसे पोस्ट ऑफिस जो आपने सेलेक्ट किए थे उन पोस्ट ऑफिस में, किस पोस्ट ऑफिस में, मान लो 30 आपने सेलेक्ट किए थे तो 30 में से किसी एक में आपका सिलेक्शन हुआ है तो उस पोस्ट ऑफिस का नाम वहाँ पे आपको मिलेगा, जिसकी आपको प्रायोरिटी दी थी आपने जो सेलेक्ट किए थे, उसमें से किसी एक का नाम आपको वहाँ पे मिलेगा पोस्ट ऑफिस का नेम। तो ध्यान रखें, यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, पोस्ट नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, और तीसरा जो उसमें आएगा कॉलम जो आएगा इस बार, वो कट ऑफ का आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल एक कन्फर्म अपडेट है, इस बार कट ऑफ आएगा। तो ये कन्फर्म नोटिस मैं दे देता हूँ आपको, क्योंकि GDS की साइट पे कि वो नोटिस आया है, इसको आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे अब जो रिजल्ट आएगा वो कट ऑफ के बेसिस पे आएगा, बिल्कुल आपको कट ऑफ देखने को उसमें मिलेगी। अब बात करते हैं किन किन का आएगा रिजल्ट, है ना। तो जो रिजल्ट आ चुके थे पहले वो भी रिजल्ट दोबारा जारी होंगे, तो ध्यान रखें, और जिनका नहीं आया उनका भी थोड़े दिनों में जारी कर दिया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आपके लिए यही है कि जो सारे रिजल्ट यहाँ पे दोबारा से आएंगे, तो 8 रिजल्ट जो आए वो भी आएंगे और जो नए रिजल्ट आने वाले हैं वो भी आएंगे। तो ध्यान रखें, सभी के रिजल्ट यहाँ पे आएंगे। कब आएगा राजस्थान का रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, और कब आएगा जो दोबारा जो रिजल्ट हो कब आएगा, तो ध्यान रखें, आज संडे है लेकिन रिजल्ट यहाँ पे सोमवार को आएगा, ध्यान रखें, यानी कि कल रिजल्ट आएगा। इसमें लिखा गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा भी गया है कि मंडे तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपकी जो अपडेट है, यानी आज मैं संडे को वीडियो बना रहा हूँ, ये तो ये सोमवार को रिजल्ट आएगा, यानी कल रिजल्ट आपका आने वाला है। इन राज्यों का तो आ जाएगा जिनका पहले जारी हुआ था, 8 राज्यों का, इनका तो आ जाएगा कल, और बाकी का रिजल्ट भी थोड़े ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा, यानी जून के एंड तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा सारा कंप्लीट। और ज़रूरी बात है रिजल्ट में आपको ध्यान रखने योग्य यही है कि रिजल्ट जब आप चेक करें, जब PDF जो आता है पूरा, उस PDF में आपका नाम ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से चेक करेंगे। कई बार क्या है कि आप नाम चेक नहीं करते हैं, SC जनरल के कैटेगरी के हिसाब से आप ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, आप पूरा कट ऑफ देखेंगे, पूरा नाम, आप सभी नाम चेक करेंगे, पापा का नाम ये सारी चेक करेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम कंफर्म करेंगे, है ना, कि आपकी पोस्ट क्या थी, किसके लिए आवेदन किया था आपने और आपकी परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी कन्फर्म करेंगे। तो ज़रूरी बातें थी आपके पोस्ट ऑफिस के रिजल्ट से अपडेट से संबंधित, कि रिजल्ट कब तक आया वो सारी मैंने बता दी है। मंडे कल तक रिजल्ट आ जाएगा, जिनका आया था पहले उनका रिजल्ट तो कल आ जाएगा, और जो आगे आने वाले समय में जो रिजल्ट हैं वो जून एंड तक आ जाएंगे। बाकी के रिजल्ट, राजस्थान का रिजल्ट भी जून एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।